मामू जी सरकार चले गई, भांजे भी पैदल हो गए, नई सरकार आई, रेवंत रेड्डी साहब बहुत सब चीफ मिनिस्टर है। ये पुलिस वालों के लिए मैसेज है कि जितने एमएन की गुलामी कर रहे आप 5 साल 9 साल, ये सब की उनके डायरी में नंबर है, सबका नाम है, उनका नहीं लाल डायरी है, रेवंत रेड्डी साहब का नहीं। वो लाल डायरी में जितने मामू की गुलामी करे पुलिस वाले, जितने मामू के भांजे की गुलामी करे, पोलिंग के दिन जितने मेरे को हैरेसमेंट करे, वो जो बड़ा ऑफिसर जो ऑर्डर करा, कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, उस वक्त के संदीप शेंडलिया बहुत ईमानदार ऑफिसर है, वो बेचारे हैरत करे कैसा गिरफ्तार करे, बल्कि जब कमिश्नर ऑफ पुलिस से लोग बात करे कि भाई आप अमजदुल्ला खान को क्यों गिरफ्तार करें, तो बोले आपको छोड़ दे रहे अभी थोड़ी देर में। तो 4 घंटे बाद में मेरे को रंग बदल के इंस्पेक्टर लाके एक नोटिस दिए, वो नोटिस में यह लिखा हुआ है कि कोई हुसैनी साहब है, हसन अली क्या जी नाम है, नाम नहीं मालूम मेरे को, उन्होंने ये कंप्लेंट, आप बताइए पोलिंग के दिन जबकि वहां झगड़ा नहीं हुआ, मैं वहां स्पॉट पर नहीं गया, मैं तो मैं कोई एमआईएम के वर्कर को मारा बोल के मेरे पे एक इल्जाम लगाए, और टाइप कंप्लेंट है इंग्लिश में, टाइप राइटर पे कंप्लेंट हो, आप बताइए उस दिन जो है पोलिंग के दिन इनको टाइपिस्ट काबिला होगा, बताइए ये पूरी इंक्वायरी है, ये टाइप कहां पर हुआ, ये पुलिस स्टेशन में टाइप हुआ ये कंप्लेंट, ये पुलिस रैन बाजार जो है वो एमआईएम का दफ्तर बन गया था उस दिन, एक दिन वहां पर कंप्लेंट टाइप करके मेरे पे गेम बुक करे, मेरे को नोटिस दिए। अच्छा मेरे पे सेक्शन क्या लगा है मालूम आपको, मैं कहते डकैती करा, कहते डकैती रॉबरी, मेरे पे सेक्शन नहीं है, कितनी बेइज्जती है, याकूतपुरे के 45,000 वोटर की बेइज्जती है, उनके नुमाइंदे को डकैत बोल रहे, उनके नुमाइंदे को रॉबरी करा बोल रहे, ये मेरी अकेली नहीं है, ये पूरी जमात की, ये पूरे 45,000 वोटरों की बेइज्जती है, ये कि आपके नुमाइंदे को जो है पुलिस रैन बाजार इंस्पेक्टर डकैत बोल रही, उनको जो है रॉबरी करी बोल रही। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और बड़े ऑफिसर से, मैं अभी नाम ले रहा हूं, बाद में नहीं लाना, उनकी इंक्वायरी हो रही, अगर मैं नाम नहीं ला तो इंक्वायरी खतरे की इंक्वायरी हो रही हो, वो खतरे को क्या करा मई, उस दिन जो है 6 ऑटो पकड़ा है बनिया पे, 6 ऑटो पकड़ के दिया तो खतरा बोलता कि लेडीज पुलिस नहीं है मेरे घर बोला उन्हें। खैर बहरहाल चीफ मिनिस्टर के यू में है रेवंत रेड्डी साहब के, चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर और आपके सादेखा में जितने भी पुलिस ऑफिसर ये जो हरकत किए हैं, मेरे कहने पूरे की वीडियोग्राफी है, मैं पूरा इलेक्शन कमीशन को दिया हूं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आपके नुमाइंदे को डकैत, आपके नुमाइंदे को रॉबरी, जब आप हक का काम करते ना, जब आप हक की लड़ाई लड़ते तो ऐसे इल्जाम लगते आपके ऊपर, मैं ऐसे कोई इल्जाम से डरने वाला नहीं हूं, मैं 5 साल तक हर गली घूमूंगा याकूतपुरे की, मैं आपका अफराद खानदान हूं, 5 साल तक याद रखिए, 5 साल तक आपके घर में, और खास तौर पे मैं खुरैशी ब्रदरी को सलाम करता हूं, खुरैशी ब्रदरी का एक वोट भी कहीं नहीं गया याकूतपुरे के, कई तंजीमा उनके कई सदरा ऐलाना करे उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, खैर अच्छे चीफ मिनिस्टर आए रेवंत रेड्डी साहब, आने वाले बकरीद हम बहुत सुकून से गुजारेंगे, कोई जंबर आप लोगों का नहीं पकड़े जाएगा, ये अरे क्या सरकार थी जी वो बीआरएस की, बीजेपी की सरकार अच्छी रहती थी, उससे बेहतर मुसलमानों को जुलूम हो रहा, आप मालूम कल असेंबली में काउंसिल में एमआईएम के कोई एमएलसी साहब बोल रहे वो शादी मुबारक के उनको लोना दिए चेका बाउंस हो गए, कहते अब बाउंस होते ही मामू दादे के घर हो गए पूरे अच्छी गाँव, खैर बहरहाल मामू का भी मामू पे भी इंक्वायरी होंगी, मामू के बेटे पे भी इंक्वायरी होंगी, मामू के असली भांजे पे भी इंक्वायरी होंगी, मामू की बेटी पे भी इंक्वायरी होंगी, मामू के नसली भांजे पे भी इंक्वायरी होंगी, ये पूरे चंचलगुड़ा जेल को आने वाले हैं, ये पूरे चंचलगुड़ा जेल को आएंगे, ये अलमान होटल जमीनपुरा ब्रिज से अलमान होटल में हाथ में हथकड़ा रहेंगे पूरे के, ये पूरे जाने वाले याद रख लीजिए, और साथ में जब हिलाना जाएंगे तो घर के साथ घूम भी पीछे जाते ना, ये जो पोलिस ऑफिसर करे ना, ये पोलिंग के दिन अमजदुल्ला खान एक पठान का बच्चा है, और पठान की जो दुश्मनी है, पठान की दुश्मनी खबर तक रहती है, दुश्मन मर गया तो खबर को बदल मारता, ये जो पोलिस ऑफिसर हरकत करे है, अब आउट ले रहे आप बोल भी जा रहे हैं कि ऑफिसर साहब अरे मैं नहीं करा भाई गिरफ्तार, वो सीनियर ऑफिसर बोला तो मैं करा, अब जाओ तुम्हारे बीवी बच्चे वो सीनियर ऑफिसर पालता, अब जाओ, अब जाने वाले बेटा अंसरी पूरे जाने वाले। तो खैर बहरहाल ये जो रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत थी, इलेक्शन ऑफिसरों की क्या हरकत थी, यहाँ पर सब पुलिस वाले गंदे नहीं होते, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर भी है,
माधव मार्केट का इंस्पेक्टर की मैं तारीफ करूंगा कि वो एसआरटी कॉलोनी के पोलिंग बूथ पे मशीन रखी, इमीडिएट अरेस्ट कर लिया, इमीडिएट अरेस्ट करा, अंदर डाला, लेके जाके उसको अंदर डाल दिया, मशीन निकली, चाइना की मशीन है। देखिए आपके बहन का, आपकी बीवी का अगर वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास आ रहा तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में लीकेज है ना, डिपार्टमेंट में लीकेज है ये, तो ये डिपार्टमेंट में कहां से ये डाटा चोरी हुआ ये। तो बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए, हम समझ रहे थे कि अल्लाह ताला हमको जिताएगा तो हम तामीरी काम करेंगे, पूरे याकूबपुरे को डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ और रिजल्ट आया, हम डेवलपमेंट का भी काम करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम अब जो नए अन्ना है ना चीफ मिनिस्टर साहब, हम ये पूरा मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ पूरा याकूबपुरे का, जहां जहां पर रोड नहीं है, जहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है, जहां पर सीवर लाइन नहीं है, जहां पर भी आप देखिए, आप दो रोज पहले जुमा नमाज पढ़ के जा रहा था, अनमोल होटल का एक गंदा पानी भरा था, कई सालों से भरा के थे, गाड़ी में से उतरा, जब मैं वीडियो लिया, एमडी वाटर वर्क्स को डाला, कई काम हो गया वहां पर, पूरे आगे सबसे के चार पांच कारपोरेटर, एक एमएलसी, एक एमएलए, आवाज सुना भाई, कल से एमपी साहब भी याकूबपुरे में उतरने वाले है, वो यासर अरफात को इंचार्ज को हटा के किसी दूसरे को डाल दिया कहते, फिर उधर से चंद्रायन गुट्टे से बिपाशा भी आ जाएंगे कहते इधर, तो मैं सलाम करता हूँ याकूबपुरे की बहादुरी को, याकूबपुरे के नौजवानों को सलाम करता हूँ। ये जो आप लोगों के साथ मजाक करे ना, ये लोग जो जमहूरियत का मजाक करे, आप लोगों के जो दुआओं को, जो दिल की जो बदवाली है, आपके नुमाइंदे को नहीं जीत के आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में इनके चड्डों में भागे ला देंगे अपन इंशाल्लाह। ये